अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने न्यू व्लॉग में जो कराकरम सीरीज का एपिसोड 4 है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने मेरा कराकरम सीरीज का एपिसोड 3 जो सतरंगी लेक पे एंड हुआ था आपने लाजमी देखा होगा। आज हमारा सफर शुरू हो रहा है सतरंगी लेक से ब्लू लेक की तरफ। ब्लू लेक नलतर वैली की एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जिसका जो वाटर है वो ब्लू कलर का है और बहुत ही अमेजिंग व्यू पेश करती है। तो हम आपको आज ब्लू लेक का रास्ता इस वीडियो में दिखाएंगे और आपको ब्लू लेक की खूबसूरती और ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। चले अपने सफर का आगाज करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सखरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। उम्मीद है आज का दिन खैर खैरियत से गुजरेगा और हम ब्लू लेक देख के अपनी डेस्टिनेशन पर खैर खैरियत से वापस पहुंचेंगे। रास्ते में ही दोस्तों हमें ब्लू लेक से पहले परी लेक भी मिलेगी और आपको परी लेक के भी व्यूज हम दिखाएंगे। चले चलते हैं और आगे का सफर इंजॉय करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। रास्ता आप चेक कर सकते हैं, हल्की हल्की स्नो फॉलिंग हो रही है और बहुत ही सख्त किस्म का ऑफ रोड ट्रैक है। बहुत सी जगहों पर ऐसा मिट्टी की दलदल आ रही है कि जहाँ पे बाइक जो है वो स्लिप हो जाती है। बड़ी एहतियात के साथ हम ड्राइव कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच जाएंगे और आपको दिखाते भी हैं। रास्ते की बात करें तो सतरंगी लेक के रास्ते में हमें जंगल भी मिला और कच्चा रास्ता और वाटर क्रॉसिंग्स, हर चीज़ नेचर की हमने सतरंगी लेक के रास्ते में इंजॉय की। और जिस तरह ही हम सतरंगी लेक से ब्लू लेक की तरफ रवाना हुए हैं, बड़े बड़े पत्थरों ने हमारा इस्तकबाल किया है। सख्त तरीन ऑफ रोड ट्रैक है और तकरीबन 30 से 35 मिनट का रास्ता है। दोस्तों, ब्लू लेक का अल्टीट्यूड सी लेवल से ऑलमोस्ट 10,000 फीट से 10,300 फीट तक है। सतरंगी लेक से निकलते साथ ही तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद आपको परी लेक का ये हसीन सा नज़ारा देखने को मिलता है। ये है परी लेक, इसका पानी जो है वो कम हो गया, तो ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। परी लेक के नज़ारे लेने के बाद हम अपना अगला सफ़र शुरू कर चुके हैं और हमारी डेस्टिनेशन ब्लू लेक है। जी, तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं ब्लू लेक। माशाल्लाह, क्या कुदरत अल्लाह पाक की, कैसी कैसी दुनिया बनाई है अल्लाह ताला ने। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए जो मेहनत है वो हम जानते हैं, क्यों भाई जान? बाइक पे आना ऐसे ट्रैक्स पे और टोटली ऑफ रोड ट्रैक है और बहुत मुश्किल ट्रैक है, लेकिन हमने सोचा हुआ था कि आना है तो आना ही है, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं, आपको इसके अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं जी ब्लू लेक पे और आप देख सकते हैं स्नो फॉलिंग। ये देखिए जी,
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने ब्लू लेक के ड्रोन शॉट्स स्नो फॉलिंग में इंजॉय किए होंगे और घर बैठे स्नोफॉल का मज़ा भी लिया होगा आपने। दोस्तों, मौसम की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि स्नो फॉलिंग जो है तेज़ हो चुकी है और ऐसी प्लेसेस पे बहुत ख़तरनाक होता है, किसी भी टाइम रास्ता जो है वो बंद हो सकता है। और इस टाइम ब्लू लेक पे, सतरंगी लेक पे हमारे अलावा कोई विजिटर नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से आपके लिए ड्रोन शॉट्स बना चुके हैं और अब हम जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएं। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कैसे हम बादलों के बीच में से गुजर रहे हैं। स्नोफॉल जारी है, राइड करते हैं, ऐसी राइड का भी अपना ही मज़ा है। हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है वो हुंजा है। अगले व्लॉग में हम आपसे हुंजा में मिलेंगे और आपको हुंजा की सराउंडिंग प्लेसेस दिखाएंगे। बहुत मज़ेदार किस्म के व्लॉग होने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले डेस्टिनेशन हुंजा में, और आपको अगले व्लॉग्स में मैं हुंजा की सराउंडिंग प्लेसेस दिखाऊंगा, जो पासुकोन्स, शिमशाल वैली, नगर वैली, ये सारी वैलीज हम विज़िट करेंगे और पाकिस्तान की खूबसूरती खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।